सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज जो NS 200 में मैं मॉडिफाइड करने वाला हूँ, जिसमें आपका क्रैश गार्ड हो गया, आपका सैडल स्टे है, टॉप रैक है, और जो छोटे मोटे ज़्यादा लेडीज फुटरेस्ट हो गया, टायर एगर होगा, ए टू जेड जितने भी मॉडिफाइड के आइटम है वो हम लगाने वाले हैं। और मैं इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि कैसा फिटमेंट है और कैसा लुक है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें कि आपको नया नया वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहता है। और सो गाइस जो इसके साथ हमने आपका पीछे का टॉप रैक जो लगाया, काफ़ी हेवी वाले, जैसे 5 से 10 किलो का वजन उस पर डाल के आप कहीं भी जा सकते हो। और सैडल स्टे जो हमारा लगा है ना, तो उसके साथ अपना बैग वगैरह कैरी करके आप कहीं भी आप टूर पे जाना चाहते हो जा सकते हो। अपनी बाइक कहाँ पे तैयार हो मैं दिखा दूँ कि किस टाइप का अपना जो है तैयार हुआ है, सैडल स्टे वगैरह और क्रैश गार्ड लगने के बाद कैसा लुक आता है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये जो अपना NS 200 है पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो मैं दिखा दूँ किस टाइप का हमने मॉडिफाइड किया ये देख सकते हो हमारा। पहले तो मैं दिखा दूँ क्रैश गार्ड, जो काफ़ी हेवी फिटिंग वाले हमने क्रैश गार्ड लगाए हैं, जो आपका प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। और इसका जो है ना, आप लंबे रूट पर अगर चाहो तो इस पर पैर रख के भी जा सकते हो कम्फर्ट के लिए। और लुक पहले देख लो, ये आया कि आपका पूरा टंकी वगैरह पूरा सेफ़ रखेगा और आपका रेडिएटर भी सेफ़ रखेगा। ये इतना आपका हैवी फिटिंग है और लुक भी बहुत ही प्यारा है इसका, जो इंजन वगैरह भी हमारा बिल्कुल बचाता है, ये क्रैश गार्ड हमारा, ये देख सकते हो। मैं दूसरे साइड से भी दिखा दूँगी कैसा लुक है इसका। सो गाइस देख सकते हो दूसरे साइड से अभी ये भी क्रैश गार्ड देख सकते हो, काफ़ी हैवी फिटिंग और लुक भी बहुत प्यारा है हमारा, और समझो कि बेहतरीन फिटिंग ये आप देख सकते हो आप। ये आपका क्रैश गार्ड का हो गया। और जो हमने लगाया टॉप रैक वो भी मैं दिखा दूँगी, टॉप रैक किस टाइप का लगाया हमने, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम लगाया, ये टॉप रैक आ गया हमारा। सो ये 5 से 10 किलो का वजन डाल के आप जहाँ जाना हो आप जा सकते हो ये टॉप रैक से। और ये आपका मेटल फिटिंग, जैसे आपका इतना हेवी है कि इस पर आप बैग वगैरह भी रखना चाहो बैग रख सकते हो, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, जैसे 4 नट खोलो और लगाओ, कुछ भी अलग से आपको एडजस्टमेंट नहीं करना। और इसके साथ हमने लगाया सैडल स्टे जो आपका मैट फिनिश के अंदर आता है, और ये भी प्लग एंड प्ले सिस्टम है, ये देख सकते हैं कि यहाँ हो गया और ये टॉप रैक के साथ ये अटैच हो जाता है, ये देख सकते हो। और हमने जो लगाया लेडीज़ फुटरेस्ट, जो लंबे रूट पे अगर पीछे पिलियन हमारा बैठता है तो इस पर आपको पैर दर्द वगैरह हो जाता है, इससे होता है कि लेडीज़ फुटरेस्ट आप लगाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला ये फुटरेस्ट से। दूसरे साइड भी हमने लगाया, लेफ्ट राइट दोनों साइड का हमने लगाया है, ये देख सकते हो लेफ्ट राइट हमारा दोनों साइड का हमारा आ गया ये लेडीज़ फुटरेस्ट। और जो हमने कंपनी का जो टायर एगर होता है जो NS में लग के आता है वो हमने हटा के फिर दूसरा मॉडल टायर एगर लगाया, ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम और रिफ्लेक्टर के साथ है। और ये आपका आ गया इंपोर्टेड वाले, इंपोर्टेड में ये होता है कि हमारा बेनिफिट है कि ये पत्ती जो है ना काफ़ी हेवी फिटिंग आता है, इससे होता है कि जैसे ये जल्दी टूटता नहीं है, और ये इंपोर्टेड है, ये देख सकते हो ये प्लग एंड प्ले सिस्टम, और लुक भी बहुत प्यारा हो जाता है, मैट ब्लैक और रिफ्लेक्टर के साथ है ये आप देख सकते हो। और इसके साथ हमने लगाया है चार्जर और मोबाइल होल्डर, मोबाइल होल्डर ये हमारा CNC आ गया, इसमें आप मोबाइल वगैरह यूज कर सकते हो अगर लोकेशन वगैरह। और इसके साथ हमने लगाया है चार्जर, चार्जर के साथ बटन हो जाता है, जैसे ऑन कर लो बटन, आपका ऑन ऑफ के लिए बटन भी है इसमें। तो ये था हमारा NS का जो हमने मॉडिफाइड किया। और कुछ नया चीज़ कराना हो, जैसे इंडिकेटर बल्ब है, इंडिकेटर चेंज करवाना हो, नाइट टाइप बल्ब लगवाना हो, हेजार्ड लगवाना हो, चाहे साइड मिरर लाइट वाली लगाना हो, चाहे हैंड गार्ड हो गया लाइट वाले हैंड गार्ड, A to Z जितने भी एसेसरीज होते हैं हमारे पास सारे चीज़ अवेलेबल है, हमारे शॉप पे आके आप काम करा सकते हो। शॉप पे आना तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डला हुआ है, और अगर प्राइस वगैरह पूछना तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ। बाय बाय।